CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित एक पाठ। पाठ का शीर्षक है चावल की रोटियां। माता-पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक मां खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूं मां ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वो अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। आहा, मजा आ गया। चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज। आज तो डट कर नाश्ता होगा। कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूं नीनी। गजब हो गया, ये तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा। मैं इन्हें छिपा देता हूं। दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। मैं इन्हें कहां छिपाऊं, कहां छिपाऊं। मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। अभी आता हूं नीनी, जरा रुको। आओ नीनी, अंदर आ जाओ। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कुछ खास नहीं, मैंने अभी-अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह-सुबह कैसे आना हुआ? क्या? ये मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। वो खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। रेडियो उठाकर यही ले आओ, ताकि हम आराम से लेटे-लेटे सुन सकें। नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। आओ, कोशिश करके देखें। मैं उठाकर ले आता हूं। नहीं नहीं, नीनी, इसे मत छूना। छूओगे तो करंट लगेगा। मैंने तो इसे छू ही लिया था। भाई, मैं वो खबर जरूर सुनना चाहता हूं। तिनसू के घर जाता हूं। तुम आओगे? नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाल-बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए। मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। जाने अब कौन आ टपका। कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूं मिमी। बाप रे, ये तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वो हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहां? वो तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। कोको, दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कहां छुपाऊं, कहां छुपाऊं? ठीक, इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? मैंने अभी-अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। मुझे अभी-अभी तुम्हारे माता-पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा चावल की रोटियां? हां, थी तो।
लेकिन मैंने सब खा ली। एक भी नहीं बची। सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। हा? मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वो उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो 4 पापड़ तो खा नहीं सकती। शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ सुनाई ना दे। ये कैसी आवाज है? आवाज? कैसी आवाज? हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। ये फिर हुई, सुना तुमने? ये हमारे घर में चूहा घुसाया है, वही आवाज करता है। कौन? मैं हूँ, तिनसु। तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है। मैं खोलती हूँ। आहा, मिमी भी यहाँ है। हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है। आहा, केले की पापड़? मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है तो इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। ये लो चाय के साथ खाओ। बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। ये लो तिनसु, एक और खाओ। नहीं नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। ये आवाज कैसी है? यहाँ एक बड़ा चूहा घुसाया है, कोको कहता है वही ये आवाज करता है। ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। अच्छा, ये फूल कैसे है? ओह, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। वो रहा फूलदान अलमारी पर। मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। नहीं नहीं मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वो ये फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे।
कौन? मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा। अभी आई उबातुन चाचा। हेलो बच्चों, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। आओ चाचा आओ, चाय लेंगे आप? कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूंगा। चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप ये पापड़ ले सकते हैं। लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज कैसी है? ये चूहे की आवाज है, अक्सर ये आवाज करता है। मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, वो रहा। क्यों, फूलदान का क्या करना है? तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वो रंग नहीं था, इसलिए वो गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया, गुड बाय। गुड बाय चाचा। गुड बाय चाचा। गुड बाय चाचा। और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। चावल की रोटियां, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। पाठ समन्वय डॉक्टर लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख पी ओंग खिन, अनुवाद मस्तराम कपूर, कलाकार राजश्री त्रिवेदी, एसपी अलावादी, आशीष, आकाश और मान्या, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।